दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किसानों के लिए 3 ऐसे कानून बनाए थे, एग्रीकल्चर लॉज, कृषि कानून। वो 3 कृषि कानून को किसानों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन दूसरी तरफ ये बताया जा रहा था सरकार की तरफ से कि ये किसानों की आय दुगनी करने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये कानून बनाए गए। लेकिन बात उल्टी हो गई, किसानों को क्या समझा क्या नहीं, लेकिन किसानों ने इन कानूनों का पुरजोर विरोध किया, जोरदार विरोध किया। इतने बड़े उग्र आंदोलन किए उन्होंने, यहाँ तक कि सरकार ने उनको आने के लिए, यानी दिल्ली में आने के लिए, जंतर मंतर पर आने के लिए जो आना चाहते थे उनको आने नहीं दिया। जहां वहां बैरिकेड्स लगाए, कील गाड़ दिए थे, ऐसी पाबंदियां लगा दी गई थी कि वो दिल्ली में नहीं आए। यहां तक कि कोरोना काल में भी किसानों ने इतना बड़ा जबरदस्त हंगामा किया, आंदोलन किया इन कृषि कानूनों के खिलाफ, इन एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ। और वो कृषि कानून किसानों के किस लाभ के लिए है ऐसा सरकार कह रही थी। स्वयं नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई ये केवल किसानों के लाभ के लिए ये कानून बनाए गए, लेकिन अभी बात खुल गई, पूरी बात खुल गई, खुलकर आ गई सामने कि ये जो कानून बनाए गए थे ये कानून केवल कॉरपोरेट्स के हित में, यानी वो कॉरपोरेट्स का हित उसमें समाया गया था, लेकिन टारगेट था किसान, बताया जा रहा था कि किसानों को लाभ पहुंचाने के, लेकिन इसका जो लाभ था वो केवल कॉरपोरेट्स को मिलने वाला था। यानी जो किसानों की जमीनें थी, किसानों की जो उपज थी, वो कॉरपोरेट्स के हलक में जा रही थी। और इसकी शुरुआत की एक NRI ने, शरद मराठे नाम के जो अमेरिका में रहते हैं, वो नीति आयोग में आकर उन्होंने ऐसे कानून बनाने के लिए उन्होंने सजेशन दिया और नीति आयोग ने ऐसे कानून बनाए जो कॉरपोरेट्स के हित में थे। बताया कुछ और जा रहा था, लेकिन वो जितने भी कानून थे, जो 3 कानून थे, वो कॉरपोरेट्स के हित में थे। और नीति आयोग ने जो एक कानून बनाए ये कॉरपोरेट्स को सामने रखकर बनाया है, जहां पर अडानी अंबानी जैसे लोग और भी हैं। और टास्क फोर्स जो बनाया गया था, आपको आश्चर्य होगा कि टास्क फोर्स में केवल कॉरपोरेट्स ही मेंबर्स थे, अडानी से लेकर सब, रामदेव बाबा तक, सभी कॉरपोरेट्स, शरद मराठे भी उसमें। जब शरद मराठे अडानी से जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ऐसा एक निशाना लगा कि इस देश के किसानों को कैसे भूखमरी पर लाया जाए, भूखमरी के कगार पर लाया जाए, अगर से वो कानून पास होते तो आज इस देश के किसानों की हालत इतनी बुरी होती, हाथों में कटोरा लेकर घूमना पड़ा। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये करामत है, किसानों को अंधेरे में रखकर ऐसे कानून बनाए गए, और ऊपर से बताया जा रहा था कि ये किसानों के हित में, MSP लागू कर दी जाए। कितने लोग शहीद हो गए किसान, कितने लोग जख्मी हो गए, सारा धरा का धरा रह गया, कितने किसानों को कुचला गया, कितने किसानों को लाठी से लहूलुहान कर दिया गया। और आज ये बात खुल गई, इतने 3-4 साल के बाद ये खुल गई कि ये जो कानून बनाए गए थे केवल कॉरपोरेट्स के हित में, कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए केवल ये कानून बनाए गए थे, किसानों को सामने रखकर, किसानों को अंधेरे में रखकर ये कानून बनाए गए थे। अब जब योगेंद्र यादव घूमकर फिर वही
नीति आयोग में एक दिन चले गए, जब उन्होंने देखा कि शरद मराठे वहां बैठे हैं। शरद मराठे ने ही नीति आयोग को सजेस्ट किया कि ये कानून ऐसे बनाया जाए किसानों की जमीन हड़पने के लिए। जब योगेंद्र यादव नीति आयोग के ऑफिस में चले गए और वहां उन्होंने देखा कि एक शख्स ऐसा बैठा है जिसका नाम है शरद मराठे। शरद मराठे अमेरिका से ताल्लुक है, NRI है और कॉर्पोरेट जगत से उनके ताल्लुक है, उनके संबंध है। इस तरह के कानून इस तरह के दावपेच इस देश में चल रहे हैं किसानों को भूखमरी पर लाने के लिए, भूखमरी के कगार पर लाने के लिए। अगर से वो कानून पास होते तो आज इस देश के किसानों की हालत क्या होती? किसान तो आज भूखे मरते, उनकी सारी जमीनें हड़प ली जाती, सारी जमीनें कॉरपोरेट्स के हाथों में चली जाती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ढंग से बात करते हैं किसानों के बारे में, उनकी आय दोगुनी करने की बात करते हैं, MSP लगाने की बात करते हैं और ये जो तीनों कानून है उनके लाभ के लिए है ऐसा भी कहते हैं, कितने शर्म की बात है। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने इस बात को खोल कर रख दिया है, ये जो तीनों कानून है वो किसानों के हित में नहीं थे, किसानों की जमीन हड़पने के लिए तीनों कानून बनाए गए थे और ये जमीन किसको जा रही थी? केवल कॉरपोरेट्स को जा रही थी। ये जमीनें हड़पने का दाव तीन कानूनों के भेष में आ रहा था। और ये तीन तीन कानून क्यों बनाए गए थे? किसानों को अगर से लाभ भी पहुंचाना है तो ये तीन तीन कानून क्यों बनाए गए थे, क्या है इसमें? और इस पर अभी संसद में भी चर्चा होनी चाहिए, हंगामा होना चाहिए इस पर कि किसानों को अंधेरे में रखकर ये कानून क्यों बनाए गए थे, कितने काम किसानों की जाने चली गई, किसान आंदोलन में कितने किसान पुलिस के लाठी से लहूलुहान हो गए थे, कितने किसान मर गए थे आंदोलन में, कितने किसान शहीद हो गए थे। दोस्तों इस पर आपको सोचना होगा और कोई कदम उठाना होगा कि ये क्या हो रहा है इस देश में, जिस देश में किसान जनता को पालता है, ऐसे किसानों की जमीनें हड़पने का एक नया दाव प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।